मूवी के बारे में बात करें, किस तरह किरदार है आपका? ये फिल्म थ्रिलर बनी है और बहुत अच्छी तरह लिखी गई है, डायरेक्टर बड़ा मनोहर है, लगता भी अच्छा है एंड इट्स बीन अ गुड फिल्म। एक कॉम्पैक्ट बजट की वो होते ना कि कॉम्पैक्ट बजट की फिल्म अच्छी बन सकती है, लेकिन मेरा मानना है आप सीइंग सच डायरेक्टर्स ऐसी फिल्म जब बनती है नहीं आज कॉम्पैक्ट बजट में भी अच्छी फिल्म बना सका। किस तरह की मूवी है ये? बेसिकली रिवेंज स्टोरी है और थ्रिलर सस्पेंस मूवी, साथ साथ रिवेंज भी चल रहा है और साथ साथ में मिस्ट्री भी चल रहा है। आपके साथ और कौन कौन है? मेरे साथ में सिद्धांत अच्छा लगता है कि न्यू टैलेंट भी आ रहा है और उनको जो पैडिंग की जरूरत पड़ती है जो हम नॉन एक्टर्स को दे देते हैं ताकि उनको थोड़ा पुश मिले। क्या आजकल बहुत कम आप बहुत लिमिटेड फिल्म भी करते हैं ऐसा? मैं पीछे चला गया था तो माई डैड एक्सपायर पिछले एक साल के लिए घर चला गया था के वापस आया हूँ 6-7 महीने पहले। अब मैंने कवच पूरा किया बालाजी का, अभी 3-4 महीने का और भी शुरुआत करते रहे। नोटों पे जो अटैक हुआ है, ये अटैक की क्या कहानी है? सर मैं तो 100% मोदी जी के साथ हूँ। ये ठीक है थोड़ा बोल्ड स्टेप है और अचानक ले लिया है, कई लोगों को दिक्कतें आई हैं, अचानक अटैक हुआ ये कई लोगों को, लेकिन जो जो जिस तरह का टेररिज्म चल रहा है, जिस तरह काला थम यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो वो उसे उसको अंदर करना, उस चीज़ को और खोलना, एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे 3-4 महीने उन्होंने एक्सपोज कर बोलना शुरू कर दिया था कि जितना भी आपके पास ब्लैक मनी है प्लीज़ निकाल दीजिए, प्लीज़ निकाल दीजिए, आप देख जाइए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। बिकॉज इतने सालों से जब जितनी भी गवर्नमेंट रही, किसी ने ऐसा स्टेप लिया नहीं जो इस आदमी ने स्टेप लिया। आई थिंक इज़ अ टाइगर, और ये टाइगर हमारे देश को बहुत आगे तक ले जाए।